नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है थ्री फेज मोटर कॉन्टैक्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, कोई समझ नहीं आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये पॉइंट क्या है, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कॉन्टैक्टर का मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ और मोटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, एक कॉन्टैक्टर की ये चार टर्मिनल है, नीचे के चार टर्मिनल है और ऊपर की तरफ दो टर्मिनल रहती है। ऊपर के दो टर्मिनल जो है वो A1 और A2 रहते हैं, A1 और A2 रहते हैं। और ये जो रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जो है, ये जो पॉइंट रहते हैं इसको क्या, इसको बोलते हैं L1, L2, L3 और 13 नंबर। नीचे वालों को क्या बोलते हैं, T1, T2, T3 और 14 नंबर। ध्यान से देखिए, 14 नंबर, ये अपना इन साइड हो गया, इधर से अपना सप्लाई जाएगा, ये इन साइड, ये RYB, ये हो गया इन साइड अपना, और ये जाएगा अपनी, ये तीन फेज जाएंगे मोटर को, ये जाएंगे अपने मोटर को, ये RYB, RYB जाएंगे मोटर को। और T1 से, ध्यान से देखिएगा, T1 से अपने को लुक देना है A1 को, क्या देना है, T1 से A1 को लुक देने का, हाँ ध्यान से देखिए। इसलिए अपने को दो स्विच चाहिए, तो यहाँ पे मैं दो स्विच निकालता हूँ। ये देखिए, ये ऑन वाला स्विच है और ये ऑफ वाला स्विच है, ठीक है, ऑन वाला स्विच, ऑफ वाला स्विच, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बी फेज जो है, बी फेज से 14 नंबर शॉर्ट करना है, एक लूप देना है, बी फेज से 14 नंबर शॉर्ट करना है और ऑन के नीचे वाले को जोड़ देना है। क्या करना है, ऑन के नीचे वाले को जोड़ देना है और फिर क्या करना है, ऑफ का जो नीचे वाला है वो 13 नंबर को जोड़ देना है, ये 13 नंबर, ये हो गया 13 नंबर, ये 13 नंबर को जोड़ देना है, 13 नंबर को जोड़ दिया। और जो ऊपर का जो है, ऊपर का, ऑफ के ऊपर का और ऑन के ऊपर का, ये ऑफ के ऊपर का और ऑन के ऊपर का, इसको A2 को जोड़ देना है। क्या करने का, A2 को जोड़ देना है तो अपना मोटर चलेगा, चलेगा नहीं भाई, दौड़ेगा। तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे कुछ ड्राइंग में कुछ समझ नहीं आया होगा तो मैं प्रैक्टिकली अगली वीडियो में करने के लिए बोलो, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे करते हैं कैसे नहीं। और एक बार मैं समझाता हूँ, ये बी फेज से 14 नंबर शॉर्ट करके ऑन बटन को नीचे वाले को देने का है और 13 नंबर जो है वो आप ऑफ बटन को नीचे वाले को देने का है। और ये ऑफ बटन का ऊपर का, ऊपर का टर्मिनल और ऑन बटन का ऊपर का टर्मिनल A2 को देना है, ठीक है, A2 को देना है। जो कैसे करते हैं प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इस बारे में और मैं प्रैक्टिकल करूं या ना करूं। शेयर करके, कमेंट करके मेरे को बताइए।
ठीक है, थैंक यू।